रीना क्या हो गया था? हम दोनों बहन खेत पे गए थे, मेरी बहन छोटी आई चंदा और लकड़ी तोड़ने लगी, हम चरी काटने लगे थे, इतना कहाँ से आ गए थे, एक में हम बेच के लगे थे, हमारे साथ गंदा काम किया था इनने। और हमसे क्या नाम उसका? हेतराम मनु। हाँ जी हेतराम मनु। अच्छा आपके खेत में गई थी? हाँ। क्या किस समय की घटना है? पाँच बजे। और कौन था आपके साथ? मेरी बहन छोटी चंदा। अच्छा तो आपने थाने में तहरीर दी इसकी? हाँ। थाने में शिकायत करी? हाँ। क्या बोले थानेदार? तो वो कुछ नहीं। आप कहाँ की निवासी, कौन से थाने की? जवाब दे। पापा क्या करते हैं आपको? खेती किसान। कितनी बहने आप लोग? मैं एडवोकेट शरद सक्सेना। क्या मामला था ये वकील साहब? मामला ये था कि इसमें जो है ये बच्ची खेत पर गई थी चारा काटने के दौरान गांव के ही मनोहर और हेतराम ने इसको खेत में ही पकड़ लिया और इसके साथ में बलात्कार किया, गैंगरेप किया उन्होंने और बुरी तरह से इसको प्रताड़ित किया और वहीं पर इसको छोड़ दिया। गाँव के लोग कुछ जा रहे थे, छोटी बहन भाग के गई तो उसने सूचना दी, लेकिन ये घटना जो है ये इसके कड़ी पुरानी FIR से जुड़ी हुई है जो आज से 2.5 महीने पहले की घटना थी। इसकी बड़ी बहन को बेला फुसलाकर हेतराम और मनोहर का भतीजा सुरेश ले गया था, जिसकी FIR नवाबगंज थाने में पंजीकृत है जो धारा 363, 366 और 18 के अंतर्गत है। इस संदर्भ में सुरेश चंद दरोगा जी जो है SI जो जाँच करता है वो जाँच कर रहे थे, उन्होंने लड़की को तो बरामद दिखा दिया लेकिन आरोपी जो था उसको आरोप सुरेश को छोड़ दिया। मेरी उनसे बातचीत हुई थी जब उसको लड़की को लाए थे बड़ी इसकी बड़ी बहन को, तो उन्होंने कहा कि हम उसे पकड़ रहे हैं, बाद में पता चला कि उन्होंने उससे पैसे ले लिए हैं और फाइनल रिपोर्ट उसमें लगाने की तैयारी कर रहे हैं और शायद हो सकता है अब तक लगा भी दी हो क्योंकि वो अभी कोर्ट में नहीं आई है इसलिए हमारे संज्ञान में नहीं है। मेरी दरोगा जी से बात हुई थी जब इस लड़की को उन्होंने इसके साथ में, क्योंकि वो उसके परिवार ऐसे लगातार धमकी देता था कि हम उसको जो है समझौता कर लीजिए, उस FIR में समझौता कर लीजिए, साथ साथ दरोगा जी भी इसमें धमकी दे रहे थे। इसकी सूचना हमने कई 2 महीने से लगातार हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, डाक द्वारा IG को दी, SSP को डाक द्वारा दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरोगा जी सुभाष चंद्र जी जो थे उन्होंने अपनी घटना को अंजाम करवा के दिखा दिया कि अगर पुलिस की नहीं मानोगे, अगर पुलिस ने पैसे ले लिए हैं तो देखो दूसरी घटना हो जाएगी। अब भी आरोपी लोग अब लगातार धमका रहे हैं और दरोगा जी भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं देखा एक घटना हो गई, अब कहीं तुम जाना छोड़ दो अब वरना तुम्हारे परिवार का क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। लगातार आरोपी दरोगा जो है धमकाए हुए हैं, लगातार परिवार पे इतना प्रेशर बना दिया है कि उनका इतना रसूख है कि ऊपर तक जाँच कार्रवाइयाँ की एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और दूसरी घटना हो गई। ऐसे दरोगा के खिलाफ सस्पेंड होना चाहिए। इसके खिलाफ हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र दिया है कल और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज करवाई है कि हमने इतनी शिकायतें की उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि UP की कानून व्यवस्था जो बिल्कुल पंगू हो गई है उस पर मतलब कटाक्ष है कि ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उस पर पुलिस बिल्कुल ही नाकारा साबित हो रही है, जो चाह रही है पुलिस वही कर रही है। धन्यवाद।